Do you know what we are making today? I don't know. We are making sheer khurma with your favorite pakola milk. Yummy! Yummy! Okay, you know, humne doodh already do pakola milk ke cartons में से हमने दूध निकाला है और इसको डाल दिया है. अब हम एक और अपना आखिरी वाला डालेंगे और हम इस तरह इसको घुमाते रहेंगे. What I like about Pakola milk is that it is 100% you know, it's a fat and protein which बहुत सारी दूध as compared to Pakola milk नहीं होते. It is completely pasteurized, UHT treated, इसीलिए इसकी life बहुत long होती है. और ये completely buffalo milk से बना हुआ है. You know Rohan, this is made with buffalo milk and जो grass fed होती है, तो इसको और कुछ नहीं खिलाया जाता सिवाय grass के. So that is why, and I love Pakola. This is from the products of the house of Pakola. And what I love is that मुझे बचपन से Pakola के जितने भी products थे, specially उनकी जो drinks होती थी, and now the milk has been my favorite. And I think कि हर किसी को Pakola बहुत ज़्यादा पसंद होती है. ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं sheer khurma, right Rohan? So first we are going to put 2 spoonfuls of. I want to also do that. Yes, you can do that, but just give Mama 2 minutes, okay? It's a little high for you. इसलिए I just want to be careful. Rohan, you cannot come closer. Why? Because it's hot. Why? Okay. Look, it's not high for me. It's not high for you. You are becoming a big boy now. ठीक है, हमने अपने सवैयां इसमें डाल ली. Rohan, wait. Rohan. Can you take this and put it here? बस जानी. Okay, हम ये fry करेंगे इन सवैयों को. You have to crush it first. Crush it, crush it. Yes, we're gonna crush it and we're gonna fry our sevaiyan. Be careful, don't come closer to the pan. And just don't drop anything. Don't drop anything. हमारा चूल्हा बंद हो गया है, हम फिर से इसको जलाएंगे. अच्छा, Fire. Okay. Yes. Very good. Happy birthday. So Rohan, can you tell me what is Pakola milk made of? It's made of silver paint and colored milk. No, it's made of buffalo milk. No, we can't put this. We can't put this. Why? ठीक है, do you want to have some nuts till the time we are cooking? Yes, nuts. Yucky. Nuts also. We don't say yucky to food, Rohan. Nuts also go in the sheer khurma. Rohan, you know when I was a little girl and I was a girl baby, I used to cook. I used to help my mother cook sheer khurma. You know. And would your mother be happy? Yes, my mother would be very happy. ओके गाइस, तो हमारी ये शीर खुरमे की सेवैयाँ ऑलमोस्ट रेड हो रही हैं. और व्हाट आई लाइक अबाउट Pakola मिल्क इज दैट इट इज़ हायर इन फैट एंड प्रोटीन एज कम्पेयर टू अदर मिल्क्स. एंड इट इज़ यू नो रियली रियली गुड इन टेस्ट. टेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों को, स्पेशली जब दूध का टेस्ट अच्छा नहीं होता तो उनको उससे कुछ भी नहीं अच्छा पसंद आता. सो बिकॉज Rohan लाइक्स Pakola मिल्क, आई थॉट कि मैं सवैयाँ भी उसी में बनाऊँ. और सॉरी, अपनी हाँ शीर खुरमा उसी में बनाऊँ. ठीक है ना गाइस, तो इसकी मैं आपको एक पिक्चर भी लगा के दिखाऊँगी और बताऊँगी कि ये कैसा होता है इवेंचुअली. ठीक है जी, ऑलमोस्ट, वी आर ऑलमोस्ट डन. और इसकी खासियत एक और ये है कि वी रियली डोंट नो कि बाकी सारे मिल्क्स यू नो उनकी जो गाय बैले हैं उनको क्या फीड किया जाता है, बट वी आर 100% श्योर बिकॉज वी हैव सीन वीडियोस एंड वी नो कि Pakola मिल्क जो है इट इज़ हायर इन प्रोटीन एंड फैट एज कम्पेयर टू अदर मिल्क. ठीक है,
ठीक है ना गाइस, सो ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स अबाउट पाकोला मिल्क इज ट्रू एंड इट इज क्वाइट अ यू नो सॉर्ट ऑफ अ फैक्ट. मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती थी बट इस क्वारंटीन के बाद के दौरान मुझे कुकिंग का बहुत शौक हुआ है. अच्छा, ये हो गई हमारी सेवैयाँ. ठीक है, अब हम एक और छोटा सा फ्राइंग पैन लेंगे. उसमें अपने नट्स को गरम कर देंगे. थोड़ा सा उसको हम वो करना चाह रहे हैं ताकि वो कच्चा फीलिंग ना आए उसकी. ठीक है, तो हमने अपना फ्राइंग पैन रखा और अगेन उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा ये गर्म हो जाए. ये हमारा चल रहा है अभी तक. गुड, इसको बॉइल होना है. रोहान तो भाग गए हैं बिकॉज उनका गिफ्ट उनको मिल गया है. He's run off, but we are right here. हम थोड़े से इसमें अपने ये बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से. हम literally बस थोड़ा सा सौते करेंगे इसको. और जितनी ज़्यादा आप ये you know ये ड्राई फ्रूट्स और ये वो है ड्राइड खजूर, इसको जितना आप ज़्यादा फुलिंग फुल बनाएंगे और अच्छी उसके साथ बनाएंगे उतना ज़्यादा ये मज़े का होगा. इसको भी हमने सौते कर दिया है और थोड़ा सा हम रखेंगे उसकी टॉपिंग के लिए. तो क्योंकि ईद वाले दिन यू नो बहुत कुछ हो रहा होता है, तस्वीरें खिंचनी होती है, फैमिली लंच होता है और इस दफ़ा तो फैमिली लंच हमारा बस इमेज फैमिली के साथ ही है. बिकॉज ठीक है ना गाइस, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर यू. ठीक है, इसको भी हमने थोड़ा सा सॉटे कर लिया, अब इसको हम रख देंगे और जब हमारा मिल्क बॉयल होगा तब मैं उसमें ये सब डालूँगी, मिक्स करूँगी और थरली इंजॉय करूँगी. थैंक्स टू पाकोला प्योर नेचुरल मिल्क दैट इट गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबको और अपने बेटे के साथ बहुत मज़े का ये शीर खुरमा बनाऊँ. लेकिन क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो मैं एंड रिज़ल्ट आपको बाद में दिखाऊँगी, बट आई प्रोमिस यू कि मैं ज़रूर दिखाऊँगी. ठीक है ना, हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं. आई जस्ट हैव टू वेट, दिस इज़ गोइंग टू टेक अबाउट हाफ एन आवर 45 minutes. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट ब्लेस्ड हेल्दी ईद. ईद मुबारक.